इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ओके रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो देखिए अगर फोटोसिंथेसिस के कुछ क्वेश्चंस की बात करें, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ स्टोमेटल एपरेटस. ठीक है, किसका डायग्राम बोला है? स्टोमेटल एपरेटस फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, वी ऑल नो दिस, एंड स्टोमा. अब उसमें आपने लेबल क्या क्या करना है डायग्राम में? स्टोमा, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल, सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सारे पार्ट्स को हमने उस डायग्राम में लेबल करना है. ठीक है, सो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं यही डायग्राम. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बहुत बार ये डिस्कस किया है. ठीक है, सो ये जो बीन शेप होते हैं या किडनी शेप जो होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स. ये प्रॉपर, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स. ठीक है, जब ये खुलते हैं तब स्टोमेटा नजर आता है. दिस ओपनिंग, यू कैन सी दिस ओपनिंग इन द मिडल, दिस इज स्टोमेटा. ठीक है, व्हेन गार्ड सेल्स ओपन्स देन वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द स्टोमेटा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, अदरवाइज स्टोमेटा आर क्लोज्ड. ओके, देन वी कांट डिस्टिंग्विश इट. ओके, सो दीज आर द ओपन गार्ड सेल्स एंड हियर स्टोमा. ओके, एंड दीज आर गार्ड सेल्स, और ये डबल लेयर है, दैट मीन्स ये क्या है? गार्ड सेल की सेल वॉल. सेल वॉल भी बोला है लेवल करने के लिए. सो ये सेल वॉल है. ठीक है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सेल वॉल. ओके, अब ये जो है ना, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री में नजर आ रहे हैं सबसे बाहर सेल्स, ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किए हैं मैंने, दीज आर एपिडर्मल सेल्स. ठीक है, ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स हैं. ठीक है, एंड दिस दीज आर क्लोरोप्लास्ट. ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, दीज क्लोरोप्लास्ट का एक ऑर्गेनली है, प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो गार्ड सेल्स के अंदर इस तरह से क्लोरोप्लास्ट स्प्रेड होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस, ये ईच न्यूक्लियस, गार्ड सेल में एक एक न्यूक्लियस ये रेड कलर से मार्क्ड है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इनको हम टोटल गार्ड सेल्स बोलते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डायग्राम. क्वेश्चन नंबर टू इज, हाउ डू नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑब्टेन देयर नरिशमेंट. कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं, ठीक है, ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? ठीक है, या कैसे, मतलब क्या सोर्स है इनके फूड का? ठीक है, कहाँ से इनको फूड मिल रहा है? ठीक है, सो देखिए क्या होता है, कहाँ से इनका फूड आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर डीकम्पोजर्स. इनका नेचर कैसा होता है? ये डीकम्पोजर होते हैं. ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं, और कुछ डीकम्पोजर होते हैं. ऑटोट्रॉफ जैसे प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटरोट्रॉफ जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. ठीक है, लेकिन एक होते हैं डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स का मतलब होता है जो सड़ा हुआ, सड़ी हुई चीज़ें होती है ना, सड़ी हुई लिविंग चीज़ें, है ना, जिसे दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम देयर एनवायरमेंट. ठीक है, और अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जंतु हैं, जब कोई चीज सड़ जाती है, मर जाती है, तो उस पर बैठ जाते हैं, है ना, ऐसा क्यों होता है? और उसी पे बैक्टीरिया लगते हैं, फंजाई लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है ना डेड इंडिविजुअल पे. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो पहली बात, वो डेड बॉडी है, ठीक है ना, और उस पर बैक्टीरिया और फंजाई कुछ एंजाइम्स ऐसे रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज होने लगता है. टाइम के साथ साथ आप देखेंगे वो डेड बॉडी वहां पर नहीं बचेगी, वो रिड्यूस होती जाएगी. बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज उसको ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ डीकम्पोज कर दे रहे हैं. ठीक है, हेंस हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट तौर पर डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस पर ही, है ना, इनडायरेक्ट तौर पर. क्यों? क्योंकि जिन लिविंग इंडिविजुअल्स को ये खा रहे हैं, जिन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये फीड कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फूड के लिए. ठीक है, तो सिंपल सी बात जो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, दे आर डीकम्पोजर्स, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं. ठीक है, इसलिए नरिशमेंट कहाँ से मिलती है उनको? इस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक. देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, सो ये क्या है, दैट री राइट द टर्म्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर विद रिगार्ड टू द सीक्वेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मीन्स फोटोसिंथेसिस के ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट में हमने इन टर्म्स को करेक्टली राइट करना है. ठीक है, सो आपके पास ये क्वेश्चन है, है ना, ये क्वेश्चन का ऑर्डर है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस को ये आपके पास गिवन ऑर्डर है, आपने इसको करेक्ट करके लिखना है. ठीक है, सो ऑर्डर क्या है यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन,
ग्रहणा, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आइंस, फोटोन्स। अब मेरे को अब देखो मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर ये ऑर्डर गलत क्यों है, वाई दिस ऑर्डर इज रॉन्ग, है ना, इसको इनकरेक्ट क्यों बोला गया। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा रिमाइंड अप करें तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सनलाइट सबसे पहले रोल प्ले करेगी। सनलाइट कहाँ पड़ेगी, सबसे पहले लीव्स में। लीव्स के भी कौन से पार्ट पर सनलाइट पड़ती है, ग्रैना। ग्रैना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दिस। सो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट पड़ी, और सनलाइट में क्या होते हैं, व्हाट इज द बंडल ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोन्स। तो सबसे पहले लाइट पड़ी, दैट मींस फर्स्ट क्या आएगा, फोटोन्स, है ना। सबसे पहले लाइट पड़ी, कहां पड़ी, ग्रैना पे। सो द सेकंड इज ग्रैना, ग्रैना पे लाइट पड़ी। फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर टूटेगा, दैट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स पे थर्ड नंबर पे रिएक्शन होगा। फिर फोर्थ नंबर पे क्या होगा, जब ये सब हुआ देन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन अलोंग विद द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, हाइड्रोजन का भी होगा, एंड समहाउ कुछ ना कुछ ओ एच नेगेटिव आइंस भी रिलीज होंगे। हमने पढ़ा था एच पॉजिटिव तो रिलीज होता ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ओ एच नेगेटिव आइंस भी रिलीज होते हैं जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है। सो दिस इज थर्ड स्टेप, फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज ऑक्सीजन, एंड फिफ्थ इज एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। मीन्स सीक्वेंस, आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद करके उसका सीक्वेंस करेक्ट लिखना है। सो दिस इज फोटोन्स, कहाँ पड़े ये, ग्रैना में। ग्रैना में फिर क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हो गई, किस किस में हुई, ऑक्सीजन में, एंड एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव में स्प्लिटिंग हुई। हैंस दिस इज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, विच वन केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। सो देखिए कौन सा केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ए ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड वाटर ऑक्सीडाइज्ड, है ना। सेकेंड ऑप्शन इसका रिवर्स है, थर्ड ऑप्शन दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, और फोर्थ ऑप्शन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। सो व्हाट इज द आंसर, यहां पर क्या आंसर होगा, इसका आंसर है ए। अब ए आंसर क्यों है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, क्योंकि वाटर में क्या होता है, उसकी स्प्लिटिंग होती है, और जब स्प्लिटिंग होती है वाटर की, तो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी वाटर स्प्लिट करता है तो वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, यहां पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, वाटर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, H2+ O2 बैलेंस करके बन जाएगा, ठीक है, या फिर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना, सिंपल सी बात, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन यहाँ पर आउट हो रही है, और जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रही है चीज। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें, ठीक है, मीन C6H12O6 ग्लूकोज में ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है ग्लूकोज में, ठीक है, और ये ऑक्सीजन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ इज क्लोरोफिल इन लीव्स इज रिक्वायर्ड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, क्लोरोफिल की जरूरत क्यों होती है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है, है ना। तो ऑप्शंस अगर पढ़ेंगे, वाटर स्प्लिटिंग, एमिटिंग ग्रीन लाइट, ट्रैपिंग ग्रीन लाइट, स्टोरिंग स्टार्च इन लीव्स। सो व्हाट इज द आंसर, क्लोरोफिल इज अ हाईली लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन इट देन इट ट्रैप्स द ग्रीन लाइट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रीन लाइट की ट्रैपिंग हो रही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू फोटोसिंथेसिस।